वेलकम टू आर्ट वर्सेस निधि। आज आपको टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं क्या ड्रॉ करने जा रही हूँ। जिनको भी नहीं पता मैं बता दूँ, ये हमारे देश के सुपर हीरो रॉकेट्री मैन एस नंबी नारायण सर है। इनका जन्म 12 दिसंबर 1941 को नागरकोइल तमिलनाडु में हुआ था। नंबी सर अपने 5 बड़ी बहनों के अकेले भाई थे। पिता नारियल का बिजनेस करते थे, माँ हाउसवाइफ थी। वो बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने 10th और 12th में टॉप किया था। छोटी सी उम्र में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। कॉलेज लाइफ में ही इनको अपने घर के जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था। वह कॉलेज के समय से ही अपना घर चलाने के लिए छोटी मोटी जॉब्स किया करते थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक शुगर फैक्ट्री में काम करने लगे, लेकिन उनका मन नहीं माना और उन्होंने इसरो एज अ पेलोड इंटीग्रेटर ज्वाइन किया। उस समय के इसरो के अध्यक्ष विक्रम साराभाई ने उनके टैलेंट को देखकर उन्हें आईवी लीग कॉलेज में जाकर पढ़ने को बोला। रॉकेट प्रोपल्शन में मास्टर्स करने के बाद उन्हें नासा में काम करने का मौका भी मिला, लेकिन उनका सपना तो भारत को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने का था, इसलिए उन्होंने इसरो ज्वाइन किया। आगे चलकर नंबी सर ने विकास इंजन को डेवलप किया, जो आज भी भारत के PSLV सैटेलाइट्स के लॉन्च व्हीकल को पावर करता है। नंबी सर जानते थे कि लिक्विड फ्यूल इंजन्स पर काम करने से ही हम ह्यूमंस को स्पेस में भेज सकते हैं। इसके लिए ईयर 1992 में इंडिया ने रशिया के साथ 235 करोड़ में क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, पर इसके बाद US के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने रशिया पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का प्रेशर बनाने लगा, जिसके कारण भारत का ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। फिर भी इंडिया ने क्रायोजेनिक इंजन लाने का अपना काम चालू रखा, पर एक झूठे केस की वजह से इस पर ब्रेक लग गया। मालदीव्स के 2 इंटेलिजेंस ऑफिसर्स मरियम रशीदा और फौजिया हसन को गिरफ्तार किया गया। कहा गया कि इनके पास इसरो के रॉकेट और सैटेलाइट्स लॉन्चिंग के हाईली कॉन्फिडेंशियल डेटाज थे, जो कि पाकिस्तान को बेचा जा रहा था। नंबी सर उस समय इसरो के क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के हेड थे। नंबी सर अलोंग विद साइंटिस्ट डी शशि कुमार सर अरेस्टेड फॉर फॉल्स स्पाई केस। इन्हें 50 दिनों तक जेल में इंटरोगेट किया गया। इस केस के कारण नंबी सर के काफ़ी इंटरव्यूज़ हुए। उन इंटरव्यूज़ में नंबी सर ने बताया कि जेल में उन पर प्रेशर बनाया जाता था कि वह अपने चार्जेस इसरो के हाईली ऑफिशियल्स पर शिफ्ट कर दे। उनके मना करने पर उन्हें तब तक टॉर्चर किया गया जब तक कि वह गिरकर हॉस्पिटलाइज नहीं हो गए। इनकी फैमिली को भी बहुत कुछ सहना पड़ा। मंदिरों में इनकी फैमिली को पंडित प्रसाद देने से मना कर देते थे। एक बार तो काफ़ी बारिश में इनकी पत्नी को ऑटो रिक्शा वाले ने बीच में ही उतार दिया और कहा कि आपके पति तो जासूस है। इनके बच्चों को भी लगातार टॉन्ट किया जाता था कि तुम जासूस के बेटे हो। नंबी सर पूरी तरह से टूट चुके थे। इन्होंने सुसाइड करने तक का सोच लिया था, पर तब इनकी फैमिली ने कहा कि आपको हमारे लिए लड़ना होगा और उन सब के लिए जिनकी कोई आवाज़ नहीं होती। फिर वे लड़े और फाइनली इन 1996 CBI ने उन पर से सारे चार्जेस हटा दिए और 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने। पर इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे देश भारत का हुआ, जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नंबी सर ने 1999 तक लाने का टारगेट रखा था, उसे फंक्शनल 2008 में किया गया। मतलब हम लगभग 15 साल पीछे चले गए। 2019 में फाइनली नंबी सर को इंडिया के 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से नवाजा गया और भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हमें नंबी सर की देशभक्ति पर कोई डाउट नहीं। हमें आर माधवन सर और उनकी टीम को स्पेशली थैंक्स कहना चाहिए नंबी सर की कहानी पर्दे पर लाने के लिए, ताकि लोग उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। सर, साइंटिस्ट हमारे रियल सुपर हीरोज हैं। ऐसे फेक केसेस और कई अननेचुरल डेथ्स के कारण हम अपने कई साइंटिस्ट खो चुके हैं। गवर्नमेंट को हमारे साइंटिस्ट की सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और ऐसे ही सुपर हीरोज की ड्राइंग और स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आगे आप और किन के बारे में जानना चाहते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।